हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो है रियलमी C3 का वल्केनो ग्रे कलर एडिशन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है और ये जो कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए इसी डिवाइस को इस वीडियो में करते हैं अनबॉक्सिंग और जानेंगे इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स में। बॉक्स के पीछे कुछ इस तरीके से आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगा इस फ़ोन के। यहाँ पे कलर मेंशन किया गया है वल्केनो ग्रे कलर और रियलमी C3 3GB रैम 32GB स्टोरेज वेरियंट या फिर 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरियंट, दो वेरियंट में फ़ोन आपको अवेलेबल मार्केट में देखने को मिल जाता है। 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, 5000 मिली एम्पियर का एक टिपिकल बैटरी इस फ़ोन में देखने को मिलेगा और 194 ग्राम इस फ़ोन का वजन है। तो चलिए इस डिवाइस को अनबॉक्सिंग फ़िलहाल यहाँ पे करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें इस बॉक्स में देखने को मिलता है। जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से आपको ऊपर एक सेक्शन में कुछ पेपर वर्क और यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल इसी फ़ोन के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ में ये रहा रियलमी C3 का वल्केनो ग्रे कलर एडिशन। जी हाँ, पहले हमें इस फ़ोन में दो कलर देखने को मिलता था, फ्रोजन ब्लू और ब्लेजिंग रेड कलर, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल लॉन्च कर दिया है रियलमी ने वल्केनो कलर। यहाँ पे एक अडोप्टर मिलता है जो कि है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर यानी 10 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला अडेप्टर और यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल इस फ़ोन के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। और कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ हमें ये रियलमी C3 का वल्केनो कलर जो ग्रे कलर है देखने को मिलता है। पीछे से जो लुक्स है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग, डुअल रियर कैमरा और LED फ्लैश ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है और पीछे का बॉडी पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। नीचे स्पीकर व्हील, माइक्रो USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन, सेकेंडरी माइक्रोफोन और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। फ़ोन के जो थिकनेस है 9mm का थिकनेस दिया गया है और 195 ग्राम इस फ़ोन का ऑलमोस्ट वेट है। और ये जो डिवाइस है ये पीछे से प्लास्टिक से बना हुआ है। जी हाँ, और प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये डिवाइस आता है। ये रहा वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम अप एंड डाउन और सिम ट्रे और ये रहा पावर बटन। ओवरऑल फ़ोन का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको अलग अलग कलर भी मिल जाता है, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर चाहिए या फिर ग्रे कलर, तीन कलर में फ़ोन फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेकर। जो डिस्प्ले दिया गया है वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में आपको IPS LCD मिलता है। 6.5 इंचेस का यह डिस्प्ले है। HD+ रिजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले आता है। जो रिजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल्स है और जो यहाँ पे PPI है 270 का PPI दिया गया है। जो पिक्सल डेंसिटी है वही इस फ़ोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है 82.7%, स्पेक रेशियो 20:9 का दिया गया है और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले का कलर वगैरह हो या फिर साइज को लेकर बात करो जो परफेक्ट है वही यहाँ पे अच्छा खासा पिक्सल सब भी आपको इस फ़ोन में दिया गया है और प्रोडक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी है। यानी ओवरऑल देखा जाए प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले दिया गया है काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और खास करके यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा वीडियोज़ के मामले में, गेमिंग के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के ताकत को लेकर, जो परफॉर्मेंस मिलेगा इस फ़ोन में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे 3GB रैम 32GB स्टोरेज या फिर 4GB रैम 64GB स्टोरेज, दो वेरिएंट में फोन अवेलेबल देखने को मिल जाता है। वही इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है 2GHz का क्लॉक स्पीड के साथ में। जो चिपसेट दिया गया है, प्रोसेसर दिया गया है वो मीडियाटेक का है, मीडियाटेक हीलियो G70 गेमिंग चिपसेट है, बहुत ही फास्ट रहेगा। 12nm फैब्रिकेशन में बना हुआ है। इस प्राइस रेंज में मीडियाटेक हीलियो G70 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। स्पीड के मामले में हो या गेमिंग के मामले में जो मीडियाटेक हीलियो G70 प्रोसेसर होगा बहुत ही फास्ट रहेगा। वही इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 मिलता है। जो यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा वो यहाँ पे रियलमी UI 1.0 का इस्तेमाल किया गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस क्वालिटी में फ़ोन बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर। जो बैटरी इसमें दिया गया है 5000 mAh का एक हाई कैपेसिटी बैटरी दिया गया है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है। 10 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, फास्ट चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी होगा डेफिनेटली अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी इस फ़ोन में लगाया गया है जो फुल डे बैकअप कहीं ना कहीं दे देगा। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की सिक्योरिटी के मामले में तो इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे देखने को नहीं मिलता और ना ही यहाँ पे आपको पावर बटन के साथ में दिया गया है। इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और पिन पैटर्न का ऑप्शन रहेगा। तो चलिए देखते हैं जो फेस अनलॉक दिया गया है कितना फास्ट है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही फ्रंट पे इस फ़ोन को
मिला रहा हो, फ़ोन काफ़ी तेज़ी तरीके से अनलॉक हो रहा है, स्लो नहीं होगा, फ़ोन काफ़ी फास्ट रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी नज़र आएगा अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए 9000 या 10000 के डिवाइसेस के आसपास में, तो इस फ़ोन में आपको वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन बाकी जो परफॉर्मेंस मिलेगा, डिस्प्ले के मामले में एक्सपीरियंस होगा, वो इस प्राइस पॉइंट पे जितने भी फ़ोन्स आते हैं उनसे कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस इस फ़ोन में ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरा फीचर्स को लेकर। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा है अपर्चर f1.8 के साथ में, और जो दूसरा कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का है, डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है, यानी 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है, एंड 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैमरा सैंपल जो इसी फ़ोन के साथ मैंने क्लिक किया है। फ्रंट फेसिंग कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और डिटेल बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, यानी जो कैमरा रेजोल्यूशन होगा फ़ोन में वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और रियर कैमराज का कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है जिसका डिटेल भी काफ़ी अच्छा है, यानी 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा के साथ यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हो। बोके इफेक्ट के मामले में भी फ़ोन कहीं ना कहीं अच्छा है यहाँ पे देख सकते हो, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है सेल्फी के मामले में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तरह तरह के यहाँ पे मोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्यूटिफिकेशन मोड हो या पे फिल्टर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो कैमराज के मामले में इस फ़ोन में। यानी इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स को लेकर बात करो तो फिलहाल जो इस प्राइस पॉइंट पर आपको इस फ़ोन में कैमरा मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा कैमरा मिल रहा है, बाकी अगर फ़ोन्स के साथ मैं कंपेयर करूँ रियलमी C3 को। तो यही था दोस्तों रियलमी C3 का वल्केनो ग्रे कलर का अनबॉक्सिंग, और इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है, और प्राइस पॉइंट पे मुझे काफ़ी बेहतरीन डिवाइस लगा। अब चलिए बात करते हैं प्राइस क्या है इस फ़ोन की। जो 3GB RAM एंड 32GB स्टोरेज वेरियंट है उसका प्राइस है 8,999 रुपीज़, और जो 4GB RAM एंड 64GB स्टोरेज वेरियंट है उसका प्राइस है 9,999 रुपीज़। तो ओवरऑल देखा जाए प्राइस के हिसाब से मुझे इस फ़ोन में काफ़ी बेहतरीन चिपसेट मिला। जी हाँ, मीडियाटेक के लिए G70 जो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले के मामले में भी बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस फ़ोन में दिया गया है, और कैमरा 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और इस फ़ोन का जो आपको बैटरी मिलता है 5000 mAh का बैटरी भी मिल जाता है इस फोन में। इस फ़ोन में Android 10 और साथ ही साथ यहाँ पर रियलमी UI है वो आपको यहाँ पर 1 मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए प्राइस के हिसाब से मुझे ये डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये डिवाइस प्राइस के हिसाब से कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस फोन के प्राइस पॉइंट पे जो मुझे कमी लगा वो है इस फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर जो इस फोन में नहीं दिया गया है। तो यही था दोस्तों रियलमी C3 का वल्केनो ग्रे कलर का अनबॉक्सिंग और कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।